नमस्ते। कॉर्पोरेट वेलनेस सर्विस की हमारी सीरीज चल रही है, तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि फर्स्ट लेवल में हम क्या करते हैं जब किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं। उसमें हमने देखा था कि हम एक पोस्चर एनालिसिस करके उसका रिपोर्ट जो है वो कंपनी को सबमिट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट वाइज। फिर नेक्स्ट लेवल में हम क्या करते हैं कि जब कंपनी डिसाइड करती है कि ऑन द सीवियरिटी बेसिस और डिपार्टमेंट वाइज उनको किसको फोकस करना है, तो वो एम्प्लॉय के लिस्ट हम निकाल लेते हैं और उन स्पेसिफिक एम्प्लॉयज के लिए हम इन हाउस ट्रीटमेंट के लिए कैंप लगाते हैं। तो ट्रीटमेंट हमारा फ्लो कैसे होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो पोस्चर एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंगली उसका एक प्रोटोकॉल बनाया जाता है पोस्चर करेक्शन के लिए। फिर मायोफेशियल रिलीज करके उनका मसल चेंज जो है वो रिलीज करते हैं। देन योर बॉडी गेट रेडी फॉर द मोबिलाइजेशन। उसके बाद में फिर हम बोन सेटिंग करके पोस्चर करेक्शन करते हैं और वो करेक्शन मेंटेन रहने के लिए बॉडी एनाटॉमी हम उनके मसल के ऊपर विद द हेल्प ऑफ ऑयल एंड कपिंग जो है डीकंप्रेशन करते हैं। और उसके बाद उनको एक एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल दिया जाता है, वो पेशेंट से करवा भी लिया जाता है। ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स क्या करना है वो भी प्रोटोकॉल दिया जाता है और घर पे जाके उसे क्या परफॉर्म करना है वो प्रोटोकॉल भी पेशेंट को दिया जाता है, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में उसे प्रोवाइड भी किया जाता है। सो ये ट्रीटमेंट के लिए कम से कम 2 से 2.5 घंटा लगता है पूरे सीटिंग के लिए। वो आप एक ही सीटिंग में 2-2, 3-3, 4-4 एम्प्लॉय आके वहां पे सीटिंग करके अगेन बैक टू द वर्क जा सकते हैं। अदरवाइज हम 2 दिन के 2 सीटिंग में भी वो कवर करते हैं। सो अकॉर्डिंगली कंपनी इनिशिएटिव लेती है कि हमें इन हाउस करना है तो कैसे करना है, कौन सा प्लेस अलॉट करना है, कितना उसका चार्जेस रहेगा, अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड वर्क प्रोफाइल वो डिसाइड किया जाता है। उसके बाद में फॉलोअप के लिए क्या करना है, रेगुलर इंटरवल पे आना है क्या, रेगुलर इंटरवल पे एम्प्लॉयज के लिए योगा सेशन से या फिर स्ट्रेचिंग के सेशन से एवरी वीकली या अल्टरनेटेड ऑनलाइन ऑफलाइन कंडक्ट करना है क्या, तो ये भी बेसिस पे हम आगे फर्दर टाइप्स करते हैं। तो ये हो गया पूरा कॉर्पोरेट वेलनेस सर्विस के बारे में। इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू हैव द ऑर्गेनाइजेशन और कनेक्ट्स, यू कैन रीच द डिवाइन टच और हम इस संकल्पना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसमें आपकी हेल्प मुझे हो जाएगी। थैंक यू।